बिजली के रूप में आखिर मृत्यु बनकर क्यों आई तारा? वाले फैंस जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और उसमें देखा जा रहा है कि जो तारा है वो एक बंजारन पूरी तरीके से बन चुकी है और उनका नाम बिजली रहता है और वो राजमहल में वापस लौट आई है, लेकिन वहां आने के बाद से कुछ ऐसा करती है जिसे देख कर हर कोई बेहद हैरान है। वेल तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया खास अपडेट मिलने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो ध्रुव रहता है वो तारा को खोजने के लिए राजमहल से निकल जाता है और आखिरकार वो तारा को खोज के राजमहल वापस भी लेके आता है, लेकिन इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और जिसमें देखा जा रहा है कि तारा जो है वो राजमहल वापस तो आ चुकी है लेकिन एक बंजारन के रूप में और बिजली के नाम से, और आते के साथ वो जैसे सबको नमस्कार करती है वैसे देख के हर कोई बेहद हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो तारा है वो शौर्य प्रताप के गर्दन पे चाकू रख देती हैं, जिसे देखने के बाद से खुद शौर्य प्रताप बेहद हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों तारा बिजली बनके शौर्य प्रताप को जान से मारना चाहती हैं? वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे अपनी फेवरेट एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्म मेड, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।